नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ बोलती डिक्शनरी की अगली कड़ी के साथ। यह सवाल जरूर जहन में उठ रहा होगा कि मिरांडा हाउस की हिंदी ऑनर्स की छात्रा ना तो लाकी स्टूडेंट थी और न किसी मीडिया संस्थान से जुड़ी थी, तो आखिर ये पोटा पर हुई दो दिवसीय जनसुनवाई में दिल्ली में गई क्या, या इसका कनेक्शन क्या है इस पोटा की जनसुनवाई से? बिल्कुल सही सवाल है। तो ये कनेक्शन जानने के लिए थोड़ा पीछे और चलेंगे हम लोग और ये देखेंगे कि इस छात्रा का सिंगरौली से क्या कनेक्शन है। तो ये ठीक है कि यह छात्रा पैदा हुई थी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के कस्बा में, जो अब कौशाम्बी जनपद का जिला मुख्यालय बन गया है, लेकिन इसका पूरा बचपन प्राथमिक शिक्षा से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा सिंगरौली में हुई। सिंगरौली जिसे अब लोग जानने लगे हैं देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में, उसकी वजह है कि वहाँ पे विशाल ऊर्जा परियोजनाएं हैं और उसका कारण है कि एशिया का सबसे बड़ा कोल भंडार सिंगरौली में है, जिसकी वजह से अब वह सिर्फ देश पे ही नहीं दुनिया के मानचित्र में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर विदेशों की मदद से, विश्व बैंक की आर्थिक मदद से परियोजनाएं शुरू की गई, तमाम एक के बाद एक कोयला खदाने लगी और फिर उसी कोयला खदान से निकले कोयले से सुपर थर्मल बनाए गए बड़े बड़े, और जिनसे देश के तमाम प्रदेशों को बिजली सप्लाई की जाती है। अब अगर कोई सिंगरौली क्षेत्र में रात में पहुंचेगा तो वहां की जगमगाहट देखकर वो कह देगा कि तारे जमी पे आ गए हैं, लेकिन यह सिक्के का एक पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो वहां के लोग बता सकते हैं, जो वहां के रहवासी हैं उस इलाके के, वो जानते हैं कि बिजली का अंधेरा क्या होता है। हाँ, बिजली का अंधेरा, क्योंकि उन्होंने भोगा है। सिंगरौली इसके पहले, सन 60 के पहले सिंगरौली एकदम अलग थलग कटा मध्य भारत का एक इलाका था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, आवागमन का साधन भी नहीं था और सिंगरौली एक रियासत थी करीब 600-650 गांव की, जिसमें से 200-250 गांव उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में और बाकी मध्य प्रदेश के हिस्से में, और यह सिंगरौली रियासत एक समय रीवा राज्य के अधीन भी थी। और कहा जाता है कि रीवा के राजा अगर किसी को सजाए मौत देते थे तो उसको सिंगरौली के जंगल में छोड़ दिया जाता था, ये मान लिया जाता था कि अब वहां से लौट नहीं पाएगा, मर गया। यहां तक कि कहावतों में आ गया कि जाए बेढ़न के, सजा के तौर पे। लोग गीत में भी रीवा में महिलाएं गाती हैं कि जगे चुड़ियन के भाग बलम सिंगरौली से लौटे, यानी आजादी के बाद अगर किसी कर्मचारी के, सरकारी कर्मचारी की पोस्टिंग सिंगरौली इलाके में हो जाए तो उसको काला पानी माना जाता था, वह थी सिंगरौली। एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है जो वहां के पुराने आदिवासी बुजुर्ग बताते हैं, किस इलाके में बड़े बड़े 15 कोसवा 17 कोसवा यानी 17-17 कोस के लगातार जंगल, नदी नालों के कारण यह दुर्गम प्रदेश था, लेकिन यहाँ पर जो रहने वाली वन्य जातियाँ थी उनके लिए ये कश्मीर का टुकड़ा था, वनुपस्थिति ही थी, उसके साथ साथ पशुपालन, खूब लंबी लंबी घास होती थी। और यहाँ के नाम भी देखिए कि दधीचुआ, दुधी,
जिसको कहा जाता था कि वो दूध घी से अपभ्रंश होकर दुग्ध बन गया, और यहाँ से घी वनोपज बैलों पे लाद के आदिवासी ले जाते थे मिर्जापुर के अहरौरा बाजार में, वहाँ बिक्री होती थी, तो समृद्धि भी थी। यहाँ पे जो आदिवासी जातियाँ थी उनमें कोल, बैगा, पनिका, खरवार, धरकार जातियाँ, धरकारों की संख्या ज़्यादा थी। ये बांस के सामान के कुशल कारीगर होते हैं और इस इलाके में बांस खूब पाया जाता है, इनकी बड़ी तादाद थी। और बुजुर्ग बताते हैं कि इनका यहाँ पे राज्य था, इनके एक राजा बालन का जिक्र गांव में खूब सुनने को मिलता है कि वह जनहित के बहुत काम किया करता था, कुआं खुदवाना, तालाब बनवाना, शादी ब्याह के समय बर्तन लोगों को खाने बनाने के लिए मिल जाए, इस तरह के जनहित के काम उसके थे। पर कालांतर में इस इलाके में खैर के भी पेड़ हैं, खैर जिससे कत्था बनता है, तो बिहार की तरफ से खैरवार जात के लोग इधर आते गए और फिर उनका राज्य आया। खैरवार जात के बाद फिर यहाँ पे गहरवार राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, क्षत्रिय राजाओं का वंश आता है। और रिहंद बांध जब बना था तो गहरवार वंश की राजधानी गहरवार गांव में थी और वहाँ पे राजा का किला था, साप्ताहिक बाजार लगती थी, एक जैसे राजधानी होती है उस तरह का था। और वो पूरा का पूरा इलाका रिहंद बांध में डूब गया था। रिहंद की कहानी अलग ही है, वो बना तो था पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास करने के लिए। प्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे और वो चाहते थे कि पंजाब के जालंधर, लुधियाना की तरह पूरी उत्तर प्रदेश में भी उद्योग धंधों का जाल बिछ जाए। उसके लिए जरूरी थी बिजली, और बिजली का उस समय ये साधन था, जल विद्युत को माना जाता था, और रिहंद बांध सिर्फ जल विद्युत के लिए ही बनाया गया था कि यहाँ की बिजली पूरी उत्तर प्रदेश में जाएगी। पर हुआ इसका उल्टा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, जो साधन होते हैं वो नहीं था, तो बिजली बनने तो लगी यहाँ पे लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं था। और आज वही रिहंद कचरा घर बन गया है, तमाम जो खदाने हैं, बिजली घर हैं, इन सब का कचरा, राख, सीवेज सब रिहंद में डाल दिया जाता है। और उसके किनारे के जो रहने वाले गांव में आदिवासी हैं, जो लोग वहाँ के लोग हैं, वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। तो आज तो इतना ही, थोड़ा इंतज़ार कीजिए अगली कड़ी के लिए।